एमपी के हरदा शहर में कलेक्टर कार्यालय के समीप श्रीनगर कॉलोनी को लेकर शिकायत मिलने के बाद अनुविभागीय अधिकारी टीम बनाकर जांच कराई जा रही है, जहां जांच से पहले ही शिकायतकर्ता ने बहुत भ्रामक जानकारियां देकर स्वार्थ सिद्ध करना चाहा है। जहां कॉलोनाइजर कृष्ण मुरारी अग्रवाल द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि उनकी लगभग 14.7 एकड़ भूमि है, जिसे विधिवत रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है और शासकीय नियमों के पालन अनुरूप ही खरीदा एवं बाकायदा हर विभाग की शाखाओं में पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध है। साथ ही कुछ लोगों द्वारा जबरन दबाव बनाकर परेशान कर पैसों की मांग की जा रही है और प्रशासन अपनी जांच कर रहा है। मुझे प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है, वह जांच करें और जो मेरी जमीन है वो मेरी ही जमीन रहे, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा जबरन शिकायत कर षड्यंत्र पूर्वक मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और शिकायतकर्ता बार बार नगर पालिका सहित राजस्व विभाग के नाम से सीएम हेल्पलाइन पर कई बार शिकायत कर चुका है, जिसको लेकर शिकायतकर्ता पर कार्यवाही भी की जा चुकी है। श्रीनगर कॉलोनी को लेकर एक शिकायत जो है कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें जांच के लिए माननीय एसडीएम महोदय द्वारा एक दल गठित किया गया है, जिसमें मैं हूँ और हमारे आरआई और पटवारी लोग हैं, उसमें राजस्व के सभी लोग हैं। इसमें कुछ सरकारी जमीन भी है क्या, कलेक्टर ऑफिस के राइट साइड लगी हुई है? अभी चूंकि उसके जो दस्तावेज है वो देखे जा रहे हैं, तो जांच दल की अभी चूंकि जांच जारी है, तो अभी इस निष्कर्ष पर पहुंचना जांच के उपरांत ही संभव हो पाएगा। सर, लगभग कितने दिन में जांच पूर्ण हो जाएगी? अभी चल रही है, जल्द से जल्द हम जो है उसको उसमें प्रतिवेदन जो है श्रीमान एसडीएम महोदय की ओर भेज देंगे। ठीक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।